जैसे पलक बिना किसी प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे ही बिना प्रयास के दुख सुख आते रहते हैं। इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। तुम इसी बात से समझ लो कि कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, सब कोई प्रयास करते हैं सुख का, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। ऐसे तुम सुख के लिए प्रयास न करो, तुम्हें सुख मिलेगा संसारी। आप सभी को राधे राधे। आज के इस प्रवचन में श्री गुरु जी ने भगवान शिव और श्री कृष्ण की महिमा के बारे में बताया है। श्री गुरु जी ने समझाया है कि अगर हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को जान जाते हैं तो हमें जीवन में अपार सुख मिलेगा और हम जीवन के सभी भोगों को भोग कर अंत में भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। तो ध्यान से सुने इस सुंदर प्रवचन को और पुण्य के भागी बने। राधे राधे। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले जाओगे, केवल अकेले, न हाथ होंगे न पैर होंगे तुम्हारे साथ, औरों की तो बात जाने दो। प्यारे, जिस काम के लिए आए उसको मत भूलो। आप आए हो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। भजन करते हुए सारे व्यवहार कार्य करो, कोई मना नहीं। भगवान ने ही तुम्हें सुविधा दी है, उन भोगों को भोगो तुम। हम मना नहीं कर रहे, जो धर्म के अनुसार भोगना चाहिए, जो भगवान ने तुम्हें प्रसाद रूप से दिया है, पर अधर्म मत करो। अधर्म करोगे तो जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को जान ही नहीं पाओगे, वो कार्य है भगवत प्राप्ति। भगवान ऐसे नहीं कि कहीं को बैठे हैं, कहीं छिन छिन बिहरत संग। इतने प्यारे हैं, इतने उदार हैं, इतने नजदीक हैं। बस तुम क्या है कि ये जो और कुछ समेटे हो ना, इसलिए तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहे। आप नाचते किसके संग हो? क्या तुम ही नाचते हो? अरे वो भी नाचते हैं जब तुम नाचते हो, तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम देख नहीं पा रहे। होड़ करके नाचते हैं, तुम अगर ऐसे करते हो तो वो आप देखो, जब संगीत बजेगा कोई कित कुछ, अब बहुते नास्तिक हो या बहुते शुष्क हृदय हो तो कीर्तन हो, हम देखा है किसी किसी को कीर्तन हो, ऐसा लग रहा है कि पीठ के खड़े किए गए। आपको सच्ची कहते हैं, बात मान लेना, जब आप नृत्य करते हो ना, हमारे युगल सरकार पुलिस वो तुमसे कम, हाँ उन्हीं की इच्छा से तुम्हारे अंदर आनंद आ रहा है, वो आनंद सब उमक के आ जाते हैं, नाचने लगते हैं, वो दृष्टि आएगी हरिवंश कृपा से आएगी, नाम से। इस मनुष्य जन्म का एकमात्र परम कर्तव्य भगवान की, कहाँ है भगवान? वो इतने नजदीक है, इतने प्यार करने वाले, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते चिंतित होना। एक सेकंड, अगर एक सेकंड जरा, तो एक सेकंड में मुमकिन, तभी तो निहाल हो जाते हैं। और आपको गुप्त बताए, हमारे बाप है महादेव, जब हम कभी किसी विशेष चिंता में होते हैं तो उसी समय हम देखते हैं उनको, हटकारे जटा झूठ और सामने वो ऐसे प्यार करते हैं जैसे अपने लाडले बच्चे को प्यार किया जाए। ये आराध्य देव ऐसे आराध्य देव नहीं कि हमारी उपासना बदल गई तो उन्होंने ही तो भेजा ना, वो एक एक क्षण, कई बार आपको बताया कि ऐसे वो प्यार करते हैं महादेव, जरा सी भी कोई ज्ञान समुद्र, बल समुद्र और विनाशकार की इन्हीं के हाथ में डोर है, पूरी सृष्टि का विनाश करने की सेवा महाराज को है। कभी जब से राधा वल्लभी चुल्लू जल नहीं चढ़ाया होगा महादेव जी को कि आज भाई शिवरात्रि है, गुपचुप, क्योंकि वो बीसों वर्ष हमारे प्राणाराध दे रहे कि भाई एक बूंद जय हो महादेव, कभी नहीं। पर वो आज तक, जब से स्वीकार किया है आज तक उनकी कृपा बढ़ती ही जा रही है। कोई ऐसा ही अपता जाता होगा कि विश्वनाथ जी का बिल्व पत्र और जल, ये तो बाहरी बात, उनकी कृपा छाए रहे। एकमात्र शरण लेके, ये हम महिमा बता रहे इसलिए कि हम तो भूल सकते हैं, वो नहीं भूलते। आत्मेश्वरा, यही बैठे हुए हैं हमारे ईश्वर प्रिय, वो बहुत प्यारे हो, बहुत प्यार करते हैं आपको, बस ये स्वीकार आप कर लो। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो चाहे जिस योनि में, वो सबको मिलता है। जैसे जनेन्द्री का सुख है, रसेन्द्री का सुख है, ये हर योनि में मिलता है, हर योनि में। सब पशु पक्षी कीट पतंगा सब निद्रा भय आहार मैथुन, ये सब पूरी सृष्टि को प्राप्त है। प्रारब्ध के अनुसार सबको ये भोग मिलते हैं, कम ज्यादा सब। ये बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के तुम्हें भोग प्राप्त होंगे,
पूर्व का कर्म है उसके अनुसार तुम्हें सुख दुख भोग ये सब प्राप्त, इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अब ये संसारी आदमी कैसे समझे हम प्रयास नहीं करें वहां घर चल जाएगा। देखो हम आपको सच्ची बताए, हमारे प्रभु के विधान को तुम लोग नहीं जानते हो। आप जितनी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेंगे उतने ही आप परेशान होंगे। वो आपको अनुभव होगा कि अगर मैं ऐसा ना करूं, ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, ऐसा नहीं होगा। और आप अपना भार प्रभु को देके बैठ जाइए, उनके भरोसे उनके शरणागत होकर उनकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव कीजिए, फिर आपको दिखाई देगा मेरे किए कुछ नहीं हो रहा, सब हो रहा। ओ ऐसा सुंदर होगा कि आप देख लीजिए। पर वो अहंकार है, वो समझ में नहीं, बिना किए कैसे हो सकता है। तो ऐसा विचार करो कि ये स्वर्ग लोक तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, तप लोक मार लोक जन लोक ब्रह्म लोक, इसमें तुम क्या किए, मृत्यु लोक बनाने में तुम्हारा क्या हुआ। अरे उनकी भूमि की बनाई हुई है कि छापे को ईंट बनाकर थोड़ा गर रहे, वो भी तुम्हें बल उन्हीं का मिला है, बुद्धि उन्हीं की मिली। तुम प्रभु की हो ये स्वीकार करो, तुम्हारा कर्तव्य प्रभु का स्मरण करते हुए व्यवहार बर्ताव करना ये स्वीकार करो। जो भी दुख सुख भोग है अनमांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को, जैसे पलक बिना किसी प्रयास के झपकती रहती है ऐसे ही बिना प्रयास के दुख सुख आते रहते, इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। तुम इसी बात से समझ लो कि कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, सब कोई प्रयास करते हैं सुख का, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। ऐसे तुम सुख के लिए प्रयास न करो, तुम्हें सुख मिलेगा संसारी। तो प्रयास किसका करें, भजन करने, भजन करते हुए तुम व्यापार करो नौकरी करो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। भजन करने ही रहे और लौकिक सुख के लिए प्रयास कर रहे हो, कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो, मूर्खता है। भगवान लिखे दुखालयम अशाश्वतम, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो दुख सुख स्वयं मिलने वाला है इसके लिए तुम परिश्रम करके भगवत विस्मरण करके आयु नष्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जो इसमें उलझ जाता है वो भगवान का भजन कर ही नहीं पाता। देखो आप ऐसी माया है कि भगवान की याद ही नहीं आने देती, घंटों क्या पूरा जीवन निकल जाता है। हमने विचरण करते समय देखा है गांव के, जैसे दो चार लोग बैठे होते हो, कोई बहू की बात, कोई बेटे की बात, कोई प्रपंच की बात, कोई राम हरि कृष्ण की चर्चा नहीं करते मिलता कि भगवान का ऐसा स्वभाव, भगवान का ऐसा प्रभाव। ये तो भक्तजन करते हैं। ये शरीर यद्यपि दुर्लभ है फिर भी ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, तो क्या करे, भजन करके हम अपना काम बना। भयानक रोग आ जाए, भयानक विपत्ति आ जाए तो हम भगवान को ना भूले ऐसा अभ्यास कर ले। जब कष्ट आता है ना, तो अगर आपका अभ्यास भजन का नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते, या अधिक सुख आ जाए ना तो आप भगवान, तो दोनों हमारे लिए भजन विरोधी बातें हैं, सुख या दुख। ऐसा अभ्यास करो कि अच्छे से अच्छी अनुकूलता आने पर भजन न छूटे और प्रतिकूलता आने पर भजन न छूटे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है बुढ़ापा दूर है काम बना लो। अपने लोग जाते हो कैसे होते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते क्या, अब जब दिमाग काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा आ गया है, पानी लेके पी नहीं सकते, तब चलते चलो संन्यास ले लेते। किसका संन्यास लोगे, वैसे संन्यासी हो गए हो, किसका संन्यास लोगे। वास्तविक बात है जब तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ है तब तुम धर्म पूर्वक चलते हुए भजन। बुद्धिमान पुरुष वही की आग लग ना जाए इसके लिए पहले से हम कुआं खोद के तैयार रखें, हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए इसके लिए हम भगवत भजन करके तैयार रहे। क्यों, क्योंकि जीव ही तुम्हारा मृत्यु का समय आएगा, हर सरकारी सुविधा छीन ली जाएगी, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, शरीर संबंधी छीन लिए जाएंगे, जितनी धन संपत्ति यश नाम सब हटा दिया जाएगा। अब बचे आप अकेले, कहां गए सरकार के सामने, जिस काम के लिए भेजा गया था गए, वो काम किया नहीं, अब आपके पास कुछ है नहीं क्योंकि सब सरकारी छीन गया। अब चलो सजा के अधिकारी, तो सजा भोगो,
क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो तुमने काम बिल्कुल ठीक समझो, ऐसे ही हमें भगवान ने भेजा है। हर सुविधा हमें मिली है भगवत आराधना के लिए, भजन के लिए। प्रहलाद जी कह रहे इस मनुष्य जन्म में भगवान श्री हरि की शरण ले लेना ही परम कर्तव्य है। आपने श्री गुरु जी का ये सुंदर प्रवचन सुना। आशा है आपको इस प्रवचन को सुनकर बहुत आनंद मिला होगा और आपको इस प्रवचन से जरूर कोई अच्छी बात भी सीखने को मिली होगी। आप चाहें तो इस प्रवचन से हुए अनुभव को हमारे परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। और राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सबको श्री गुरु जी के मुखारविंद से इसी तरह ज्ञान मिलता रहे, राधा कृष्ण से यही कामना है। आप सबको राधे राधे।